स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नया संडे कमेंट बॉक्स। पिछले 2-2.5 हफ्तों से मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, कुछ सोशल वर्कर्स के काम हैं जिन्हें करना ज़रूरी है। समाज में रहते हैं तो भाई मदद करना ज़रूरी है, बस वही चल रहा है। जल्द ही आप सभी के जो कमेंट्स हैं उनके भी रिप्लाई मिल जाएंगे। आज भी मैंने कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो है उठाए हैं जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ नया मालूम पड़े, वो वाली चीज़ें हैं। तो बढ़ते हैं पहली कमेंट पर। और जो पहला सवाल लिखा है वो है साजिद कादरी, एक्सलेंट रिव्यू विद प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ परचेस। थैंक यू वेरी मच कादरी जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक अ रिव्यू फॉर द जावा BS6। उन्होंने लिखा है कि जावा जो BS6 में जावा 42 आ रही है उसके ऊपर आप एक रिव्यू बनाओ। देखो ऐसा है कि पब्लिक रिव्यू लेने के लिए जाती है शोरूम में, और मैं रिव्यू लेने के लिए जाता हूँ जो शोरूम से आए हुए लोग हैं। जावा के इतने यूजर्स नहीं है मेरे एरिया में। अब यहाँ पे सिर्फ 100% पब्लिक रिव्यू शेयर किया जाता है। तो ऐसा है कि जो लोगों के पास गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती है या फिर वो यूज़ कर रहे हैं, जावा मेरे एरिया में इक्का दुक्का किसी के पास होगी तो मैं ज़रूर आपको जो है इसका रिव्यू दे दूंगा। हाल फिलहाल यहाँ पे किसी के भी पास मुझे नहीं दिखी है मेरे इस एरिया में, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं नहीं डाल पाया। बढ़ते हैं आगे। अगली जो कमेंट है वो है अरविंद सिन्हा, इन्होंने लिखा है, सर जी इन वेरिएंट ओरा हाउ इज एसी कूलिंग एट बैक सीट एक्सट्रीम समर सीजन, विल इट इफेक्टिव एट बैक सीट विदाउट रियर एसी वेंट। अभी ऐसा है कि इन्होंने ओरा के बारे में पूछा है। देखो अरविंद जी, ऐसा है कि कोई भी गाड़ी ले लो, आपने ओरा के बारे में पूछा है, ओरा के बारे में भी बताता हूँ, बाकी दूसरी गाड़ी अभी है। तो जब रियर एसी वेंट होते हैं तो गाड़ी कूलिंग होने में अच्छे से मतलब वो जल्दी हो जाती है, आगे से भी कूल होती है, पीछे से भी कूल होती है। लेकिन जब गाड़ी के अंदर 3-4 पैसेंजर हैं, आगे 2 है, पीछे 2 है, और ऐसे में सिर्फ फ्रंट वेंट है यानी कि आगे से ही कूलिंग हो रही है गाड़ी, तो फिर थोड़ा सा लेट होता है। बाकी अगर रियर है तो जल्दी हो जाता है। एक्सट्रीम समर कंडीशन में इस गाड़ी का एसी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो नॉर्मल आता है वही है बाकी गाड़ियों में जो भी है इस प्राइस सेगमेंट में जिसकी आपने बात करी है। तो अगर रियर वेंट बंद कर रखे हैं या फिर है ही नहीं, तो ऐसे में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, गाड़ी एक 5-7 मिनट लग जाएंगे आपको पूरा जो है कूलिंग होने में। आई थिंक कुछ 3-4 मिनट लगते हैं, उसे कम टाइम में शायद होता है, मैंने टेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर मतलब रियर एसी वेंट भी है तो फिर आपको 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर पूरी गाड़ी जो है कूल कर देगी। प्रियंश पांडे जी लिखते हैं, सर क्या 2 छोटे हॉर्न लगा सकते हैं जैसे बाइक के साथ आते हैं, वैसे सेम 2। तो इन्होंने मॉडिफिकेशन की बात करी है, क्या गाड़ी में आपको 2 हॉर्न लगाना लीगल है या फिर इलीगल है? लगा सकते हैं आप, लेकिन मेक श्योर उसका जो साउंड है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले अगर आपने देखा होगा कि जो ट्रकें होती है उनका जो साउंड होता था वो बहुत ही ज्यादा होता था, तो ऐसे में अगर 2-व्हीलर पर चलने वाला कोई आदमी है और ट्रक वाला जोर से हॉर्न बजा देता है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता था। एक्सीडेंटल केसेस में भी, मतलब ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट होने का चांस भी है, और ज़्यादा हॉर्न ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो 2-व्हीलर के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, तो आपको हॉर्न लगा सकते हो, आप ड्यूअल हॉर्न लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो साउंड है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज यूजुअल जो होता है नॉर्मली वो चलता है। बढ़ते हैं आगे। और अगली जो कमेंट हमारे साथ शेयर किया है ट्रोल यूनिवर्सल, इन्होंने लिखा है, सर शोरूम में बाइक या स्कूटी लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब एसेसरीज लेना ज़रूरी क्या, शोरूम उसके पैसे लगाती है हमारी चेक करना चाहिए? देखो ऐसा होता है, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप चैनल पर जाकर आपको ये मिल जाएगा। एसेसरीज क्या होती है ये आपको पहले से, मतलब अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो वहाँ पता चल जाता है। और दूसरी चीज़, जब गाड़ी खरीदते वक्त मैनुअल बुक आपको मिलता ही है, मैनुअल बुक में भी लिखा होता है कि इस गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज आपको मिल रही है, और शोरूम वाले भी बता देते हैं, तो वो एसेसरीज आपको लेनी रहेगी। दूसरी चीज़, गाड़ी को जब आप लेते हो तो कौन सी चीज़ों की ध्यान, मतलब कौन से चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कई स्क्रैचेस तो नहीं लगी है, कई हेडलाइट तो डैमेज नहीं है, अंदर का बल्ब उड़ा हुआ तो नहीं है, या फिर इंडिकेटर्स कई कटे हुए टूटे हुए ऐसे तो नहीं है, गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, जो है एग्जॉस्ट अच्छे से साउंड कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, उसके बाद जो मीटर होता है डिजिटल होता है या फिर सेमी डिजिटल होता है, जो भी होता है वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो मिरर्स देख लेना, तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। पूरी गाड़ी को आप इर्द गिर्द घूम के आजू बाजू में पूरा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से देख करके, दूसरी चीज़ नीचे से जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वहाँ से कुछ लगा हुआ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है, तभी गाड़ी की डिलीवरी आपको लेनी होती है। उसके पहले अगर ऐसा कुछ होता है, आपने एक बार डिलीवरी ले ली, तो बाद में भाई आपको
कुछ नहीं कर सकते आप, जो चीज़ें हैं वो कुछ हद तक सुधार कर दे देते हैं शोरूम वाले दोबारा से आप जाओगे तो, लेकिन जब लेते वक्त ही आप इन सभी चीज़ों की सावधानी बरतोगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इससे कई ज़्यादा जितना मैंने बताया उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल है वो है उत्तम रुत्तम। उत्तम रुत्तम, उत्तम जी लिखते हैं, भाई मैंने सुना है कि ये बाइक किसी भी गियर में किक से स्टार्ट हो जाती है, जो एक स्मार्ट फीचर है। बिल्कुल सही, आई थिंक आप पल्सर 125 स्प्लिट सीट की बात कर रहे हो। जी हाँ, ये किसी भी गियर में स्टार्ट हो जाती है। अगर फोर्थ गियर में है तो फोर्थ गियर में भी क्लच दबा करके सेल्फ लगाओगे तो भी ये गाड़ी चालू हो जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर टेक्निकली प्रॉस्पेक्टिव से देखा जाए तो कुछ हद तक डैमेज कर सकती है। अभी फिलहाल तो नहीं करेगी, यानी कि तुरंत नहीं करेगी, लेकिन हर बार आप ऐसा ही करते हो तो इंजन डैमेज हो सकता है अंदर से। उसके कई सारे टेक्निकल रीजन है, किसी दिन वीडियो बना दूंगा इस पर। लेकिन आप अब की बार ये बात समझ लो कि ऐसा मत करना। फर्स्ट गियर में है गाड़ी तब आप स्टार्ट करते हो तो चलता है, लेकिन न्यूट्रल में रहकर जब स्टार्ट करोगे गाड़ी तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी रहती है। बाद में आप फर्स्ट सेकेंड गियर पर स्टार्ट करोगे क्लच दबा करके तो वो भी कुछ हद तक चलता है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। लेकिन आप थर्ड फोर्थ या फिर उससे ज़्यादा गियर में गाड़ी रख रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो, ये मत करना, क्योंकि इससे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपकी गाड़ी को खराब कर सकता है। बढ़ते हैं आगे, और अगली जो कमेंट है नसरू मुजवार। नसरू भाई कैसे हो, ये लिखते हैं, चेतन सर आपको मैंने पूछा था सवाल, एएच गियर में 10W30 ऑयल डालते हैं, मुझे लॉन्ग राइड पर जाना पड़ रहा है तो इंजन गर्म हो रहा है, तो ऑयल 10W40 या 10W50 डाल सकता हूँ या नहीं? आपको वीडियो बनाना होगा, आप कमेंट के लाइक नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। भाई मैंने पहले ही कहा नसरू जी, आप यार आप तो समझो, आप तो हमारे पुराने व्यूअर हो। देखो ऐसा है, मैं रियली कह रहा हूँ, ये COVID-19 की सिचुएशन है, हमारे जैसे लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे, आपको भी मैं गुजारिश करूँगा आप भी किसी ज़रूरतमंद को मदद करो, हो सकता है, मतलब वही दुआएं यार साथ में आती है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन है जब मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ मेरे खुद को, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद के बारे में ज़्यादा बताऊँ, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मदद करना ज़रूरी है, उस रीज़न की वजह से अभी ये संडे कमेंट बॉक्स मैं बना रहा हूँ, और इसी के साथ इस वीडियो को कोई और जो है अपलोड भी करेगा और एडिट भी करेगा, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ चैनल पर, शूटिंग कोई और कर रहा है, एडिट कोई और कर रहा है, टैग टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ कोई और कर रहा है, और फिर अपलोड कोई और ही कर रहा है। ये चीज़ें हैं, मैं आप लोगों तक भी नॉलेज पहुंचा रहा हूं, और मेरे जॉब के साथ साथ दूसरे काम भी कर रहा हूं, इस वजह से भाई सीरियसली मुझे फिलहाल कोई टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों के कमेंट को पास करने में या फिर पढ़ने में, उनको जवाब देने में, क्योंकि कमेंट्स मैं किसी और को तो नहीं बोल सकता, एडिटिंग बोल सकता, वीडियो अपलोडिंग बोल सकता, टैग टाइटल थंबनेल सारी चीज़ें दूसरे को करने को बोल सकता हूं, लेकिन कमेंट्स के जवाब तो मुझे खुद ही देने पड़ेंगे, और इसलिए वो थोड़ा पेंडिंग है। तो आप समझ लो यार, नाराज मत होना, थोड़े से भाई को भी सपोर्ट करो आपके। तो आपने जो पूछा है, देखो आप 10W40 डाल सकते हो और लॉन्ग राइड जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कतें नहीं आने वाली। अब एक्सट्रीम समर है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 10W50 डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लंबी राइड, मतलब 2000-3000 किलोमीटर की राइड है, तो फिर आप 10W50 की ओर जा सकते हो, 10W40 सफिशियंट है, आप इसे डाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका भाई बैठा ही आपके लिए, कभी भी कमेंट कर सकते हो। अब इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। कल मंडे है, मंडे को जैसे हमने नई सीरीज शुरू करी है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, तो आपके साथ जो भी आपके पास बाइक है, कार है, आपका ओनरशिप रिव्यू, प्रोज कितने हैं उसके, कॉन्स कितने हैं आपके साथ, उसकी क्या घटनाएं घटित हो रही है, या फिर आपका खुद का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर उस व्हीकल जो कि आप यूज कर रहे हो कैसा आपको फील दिला रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ट्विटर फेसबुक की लिंक दे रखी है, इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझे वहां पर भी जो है आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जो कि मैं कल मंडे के लिए जो आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ ये एपिसोड आएगा उसमें मैं शेयर करूंगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हम बहुत ही करीब है 50,000 सब्सक्राइबर्स के, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर देना। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।